नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 126 वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट से आवेदन की हार्ड कॉपी भी सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख 18 नवंबर शाम 5 बजे तक तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके अगले दिन सुबह 11 बजे के बाद ही फीस भरने का लिंक सक्रिय हो जाएगा। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय है। सूफी संतों की धरती कहे जाने वाला यह शहर अपने आप में एक सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ घूमने वाले स्थानों में मुख्य रूप से हिरण्य पर्वत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पार्क भी बनाया गया है। पार्क में रॉक गार्डन, वाटर फॉलिंग, गूंजने वाली गुफा भी है। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति के दिन लोग यहाँ आकर पतंगबाजी का आनंद भी उठाते हैं। इसके अलावा बिहार शरीफ के मखदूम साहेब के मजार और बाबा मनीराम का अखाड़ा है। दोनों अपने अपने प्रसिद्धियों के लिए याद किए जाते हैं। भाजपा ने अपने हिस्से की 11 सीटें दी वीआईपी को। महागठबंधन से अलग होने के बाद मुकेश सहनी ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। सहनी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता मानने लगे हैं। हालांकि इससे पहले भी सहनी साल 2014 में प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। वहीं अब जाकर भाजपा की तरफ से सहनी को 11 सीटें दे दी गई है। इसके साथ ही विधान परिषद की एक सीट सहनी की पार्टी वीआईपी को दी जाएगी, जिसका ऐलान बीते दिन किया गया है। इसके बाद सहनी ने भी अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि जिस गठबंधन से हमने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, एक बार फिर से हम उसी के घर में आ गए हैं। यह मेरे लिए काफी खुशी की बात है। अब हम पूरी मजबूती के साथ बिहार एनडीए का हिस्सा हैं। चुनाव में ट्रेनिंग नहीं लेने वाले 24 कर्मचारियों पर सख्ती से आया जाएगा पेश। चुनाव कार्य के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को प्रशिक्षण केंद्र पर 24 कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई थी, जिसके बाद बीते दिन डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया है। डीएम कुमार रवि ने इस बाबत कार्मिक कोषांग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है उन्हें प्रशिक्षण के लिए पत्र भेजा जाए। इसके साथ ही जो भी कर्मचारी ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं उनकी अलग सूची बनाई जाए, ताकि ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने हिंदी भवन सभागार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के सफल एवं सुचारू आयोजन सुनिश्चित कराने हेतु निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत झा की। लक्ष्मीकांत झा का जन्म 22 नवंबर 1913 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। लक्ष्मीकांत को एलके झा के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 जुलाई 1967 से लेकर 3 मई 1970 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 8वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके थे। भारतीय सिविल सेवा के 1937 बैच के सदस्य झा ने आपूर्ति विभाग में उप सचिव का पद भी हासिल किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में की थी। इसके साथ ही उन्होंने सेवा भी की थी। उनके कार्यालय में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1969 को इंडियन रूपी सिंबल 2, 5, 10 और 100 के मूल्य वर्ग के भारतीय नोट जारी किए गए थे। इन नोटों पर उनके ही हस्ताक्षर है। बिहार में कोरोना के मिले 1000 से ज्यादा मरीज। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के माने तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1304 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 1,91,247 पर पहुंच गई है। अगर हम बात प्रभावित जिलों की करें तो अररिया में 35, अरवल में 19, औरंगाबाद में 23, बांका में 30, बेगूसराय में 34, भागलपुर में 32, भोजपुर में 11, बक्सर में 4, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 48, गया में 37, गोपालगंज में 47, जमुई में 28, जहानाबाद में 16, कैमूर में 11, कटिहार में 51, खगड़िया में 25, किशनगंज में 10, लखीसराय में 26, मधेपुरा में 60, मधुबनी में 35, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 57, नालंदा में 30, नवादा में 32, पटना में 263, पूर्णिया में 58, रोहतास में 36, सहरसा में 41, समस्तीपुर में 17, सारण में 23, शेखपुरा में 14, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 28, सुपौल में 35, वैशाली में 21, पश्चिम चंपारण में 31 मामले सामने आए हैं।
बीटीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार टेक्निकल सर्विस योग के कई पदों पर आवेदन की मांग की गई है। अगर आपके पास होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी में डिग्री है तो 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आयोग ने मेडिकल ऑफिसर और फिजिशियन के पदों पर भर्तियां जारी की है। आयोग की तरफ से कुल 3,270 पदों पर आवेदन निकाला गया है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी में बैचलर्स मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित की गई है। आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 40 साल तय की गई है। अनंत सिंह के खिलाफ पत्नी नीलम सिंह उतरी मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए नामांकन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में बीते दिन मोकामा विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर बाहुबली अनंत सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अनंत सिंह का पर्चा दाखिल करने के लिए कोर्ट ने हालांकि उन्हें हिरासत से निकलने की अनुमति दे दी थी। वहीं मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपना निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। ये वही सीट है जहां से अनंत सिंह ने भी पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें, अनंत सिंह हर साल अपने साथ साथ अपनी पत्नी के नाम का पर्चा भी दर्ज करवाते हैं ताकि अगर उनका पर्चा खारिज हो जाए तो उनकी पत्नी मैदान में बनी रहे। राजद ने जारी की पहले चरण के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची। राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पहले चरण के उम्मीदवारों के नामांकन की घोषणा कर दी है, जिसके तहत कुल मिलाकर राजद ने 42 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके तहत इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के खिलाफ राजद ने दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीं मोकामा से राजद ने अनंत सिंह को टिकट दे दिया है। वहीं नवादा से विभा कुमारी मैदान में उतरने वाली है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने घर घर से लेना शुरू किया खोइचा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी ने मिथिला अवतार अपना लिया है, जिसके तहत अब पुष्पम प्रिया चौधरी घर घर खोइचा मांगती नजर आ रही हैं। इस मुहिम का नाम पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार का खोइचा रखा है। मिथिलांचल से ताल्लुक रखने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी महिला मतदाताओं से खोइचा मांग रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी के अनुसार यह मुहिम काफी मायने रखती है। इसके जरिए एक मुट्ठी चावल से 150 मिलियन फूड ग्रेन, एक टुकड़ा कपड़ा से 100 टेक्सटाइल पार्क और आशीर्वाद में मिले एक सिक्के से 2025 तक हर साल 8 लाख सरकारी और 80 लाख प्राइवेट जॉब्स का सृजन किया जाएगा। बिहार के दंगल में अब नजर आएंगी बबीता फोगाट। पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा खेल विभाग के उप निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐसा आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार को करने के लिए किया है, क्योंकि बबीता सरकारी पद पर रहकर भाजपा के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उन्होंने राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेने और भाजपा का प्रचार करने के लिए इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, पहलवान बबीता फोगाट को इसी साल 30 जुलाई को खेल विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। अनंत सिंह ने मोकामा से भरा पर्चा। बीते दिन अनंत सिंह ने अपना पर्चा भर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से पर्चा भरा है। सलाखों के पीछे एमपी एमएलए कोटे के विशेष न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। इस दौरान अनंत सिंह के समर्थकों का भारी भीड़ भी देखने को मिला। नीतीश कुमार से बगावत करने के बाद अनंत सिंह ने 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था। कांग्रेस की तरफ से अब अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा था। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने 8वीं बार नामांकन करवाने की कही बात। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बीते दिन अपना नामांकन भर दिया है। 1990 से लगातार 7 बार विधायक रहे प्रेम कुमार ने 8वीं बार इसी सीट के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गया से 7 बार विधायक रहने के दौरान क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला है। गया की जनता, भाई बहन, कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभारी हूं, जिन्होंने गया नगर के विकास में सहयोग किया है। गया नगर में कांग्रेस से टक्कर पर उन्होंने कहा है कि कोई टक्कर में नहीं है, जनता के साथ और विश्वास ने मुझे यहां टिके रहने दिया है। भूजा वालों ने शुरू की 6 सूत्रों पर नेता चुनने की मुहिम। आजकल राजधानी पटना के लोगों के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसके तहत लोगों के बीच में ना लालच दे ना लोभ दे जैसी लाइनें खूब सुनने में आ रही है। बाजार समिति के कई रिक्शा वाले अपने दोपहिया सवारी साइकिल पर पोस्टर बैनर टांग कर सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, मोहल्लों में प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। साइकिल पर लगे बैनर में मतदाताओं को सूझबूझ करके वोट देने की अपील की जा रही है। अनूठे प्रचार के कारण इनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है, जिससे कि आसपास के लोग भी इन्हें अपने मोहल्ले में प्रचार करने के लिए बुलाने लगे हैं। जमुई सीट से श्रेयसी ने दर्ज किया नामांकन। राजद में शामिल होने वाली बिहार से निकली शूटर श्रेयसी सिंह ने भाजपा का दामन थामकर सबको हैरान कर दिया था। वहीं अब बीते दिन उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है, जिसके तहत श्रेयसी सिंह ने जमुई विधानसभा सीट से उतरने की घोषणा कर दी है। साथ ही इस सीट से नामांकन भी दर्ज करवा दिया है। वहीं इस दौरान मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने स्वर्गीय पिता के हर इच्छा को पूरा करना चाहती है। उन्होंने भी जमुई जिले से कई महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की थी, जिसको अब मुझे पूरा करना है।
बिहार के इन 5 जिलों में भाजपा नहीं उतारेगी एक भी प्रत्याशी। भाजपा ने गठबंधन में अपने हिस्से के आए 121 सीटों के नामों की पूरी सूची जारी कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसे जारी कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि पार्टी राज्य के 5 जिलों की किसी भी सीट पर चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली है, जिसमें शिवहर, शेखपुरा, मधेपुरा, खगड़िया और जहानाबाद का नाम शामिल है, जबकि 5 जिलों में केवल एक एक सीट पर ही प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। आपको बता दें, भाजपा की सर्वाधिक सीटें चंपारण क्षेत्र को मिली है, जिसके बाद पार्टी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी फिर से उतारने वाली है। इसके साथ ही पटना में भी पार्टी के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इसी इलाके से होने का यहां लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों की 255 कंपनियां हुई तैनात। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर अर्धसैनिक बलों की 255 कंपनियां बिहार पहुंच चुकी है। सभी जिलों में इन जवानों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार उड़न दस्ते का भी गठन किया गया है। उड़न दस्ते की टीम प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की गतिविधियों पर नजर रखेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ साथ आईजी डीआईजी को दिशा निर्देश दे दिया गया है। बिहार में होने वाले चुनाव से आयोग ने अमिट स्याही के इस्तेमाल का दिया निर्देश। बिहार में पहली बार एक साथ 4 चुनाव का आयोजन करवाया जा रहा है। बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, बिहार विधानसभा का आम चुनाव और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव शामिल है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने सभी चुनाव को देखते हुए अमिट स्याही लगाने का नया प्रबंध किया है। महागठबंधन से अलग होकर मैदान में उतरेगी जेएमएम। झारखंड में राजद के साथ मैदान में उतरने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर उतरने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप जेएमएम 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने वाली है। इतना ही नहीं, 4 प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल भी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की तरफ से दे दिया गया है। इसके तहत झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाह, मनिहारी, पीरपैती और नाथनगर विधानसभा सीट से जेएमएम चुनावी मैदान में उतरने वाली है। एनडीए के अलावा किसी अन्य दल को प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल करने पर लगाई गई रोक। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान करवाया जाना है। पहले चरण में वोटिंग के पहले बिहार में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसी बीच बुधवार को बिहार भाजपा की तरफ से सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 4 पार्टियों को छोड़कर कोई प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल अगर करता है तो भाजपा उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाएगी। जानकारों की माने तो भाजपा की यह चेतावनी लोजपा के चिराग पासवान के लिए है। भाजपा आलाकमान ने पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को दी दो टूक नसीहत। महागठबंधन से निकलने के बाद मुकेश सहनी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सहनी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नेता मानने लगे हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें वीआईपी को दे दी है। वहीं पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर टिकट कटने वाले नेताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो एनडीए प्रत्याशी का समर्थन नहीं देगा या फिर उनके खिलाफ मैदान में उतरेगा, उसे पार्टी का कोई संबंध नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुर्खियों में आई रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत मुंबई हाईकोर्ट ने रिया को बीते दिन जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, रिया के साथ साथ हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और स्टाफ दीपेश सावंत को भी जमानत दे दी गई है। हालांकि अभी रिया के भाई शोवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। रिया को 1,00,000 रूपये के निजी बॉन्ड पर जमानत दी गई है। रिलीज होने के 10 दिनों बाद रिया को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और की अनुमति के बिना वो विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। हालांकि रिया के बाहर आने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। जियो का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरा एयरटेल। टेलीकॉम कंपनी जियो की तरफ से अपने ग्राहकों को समय समय पर सस्ती कीमत पर जियो फाइबर प्लान को लॉन्च किया गया है, जिसकी कड़ी टक्कर देने के लिए अब एयरटेल ने 2 ब्रॉडबैंड प्लान को रिलॉन्च कर दिया है। इसमें अनलिमिटेड डाटा के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम का मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, जिसमें एयरटेल ने इसे ज्यादा अफोर्डेबल बताने की कोशिश की है। इसके लिए कंपनी ने अपने सबसे कम कीमत के 40 Mbps और 100 Mbps के ब्रॉडबैंड में इस सुझाव को रोल आउट कर दिया है। हालांकि यह संशोधित प्लान फिलहाल कुछ ही यूजर के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप पर मिलेंगे, जो कि 499 रुपए की शुरुआती कीमत से मिलेगा। स्टीव स्मिथ पर लगाया गया जुर्माना। आईपीएल के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों के बड़े अंतर के साथ हरा दिया था। इस मैच के स्लो ओवर की वजह से राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ पर 12,00,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। उनकी मैच फीस में से 12,00,000 रुपए की कटौती की गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्टीव स्मिथ को मैच के दौरान फील्ड सेटिंग में ज्यादा समय बर्बाद करने की वजह से ओवर कराने में हुई देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल द्वारा भेजी गई मीडिया विज्ञप्ति में साझा की गई जानकारी के अनुसार आईपीएल के न्यूनतम ओवर गति उल्लंघन से संबंधित आचार संहिता के अंतर्गत उनकी टीम का यह पहला उल्लंघन था।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,400 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,400 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.80 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.14 रुपए प्रति लीटर था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।